रोहन कुमारी जी चैनल में आपका स्वागत है। स्मार्टफोन का यूज़ हर कोई करता है। आज के टाइम में ज़्यादातर लोगों के पास 4G सपोर्टेड डिवाइस होता है। पहले 2G 3G डिवाइस होता था, अभी 4G डिवाइस होता है और 5G आने वाला है। इसके कारण यह है कि इसमें बेहतर नेटवर्क और कॉलिंग होता है और इंटरनेट का स्पीड भी ज़्यादा होता है, 2G 3G से ज़्यादा होता है। 4G में तो इसमें LTE और बॉल्टी का नेटवर्क होता है। अगर आपके पास 4G स्मार्टफोन है तो आपने ज़रूर देखा होगा आपके स्मार्टफोन के नेटवर्क के पास बॉल्टी लिखा होता है। तो बॉल्टी के बारे में जानने का कोशिश आपने ज़रूर किया होगा। तो इस वीडियो में आपको LTE और बॉल्टी क्या है, LTE और बॉल्टी में क्या फ़र्क है, डिफरेंस बिटवीन LTE एंड बॉल्टी इन हिंदी और इन सब के साथ आपको LTE फुल फॉर्म और बॉल्टी फुल फॉर्म के बारे में जानने को मिलेगा। अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको LTE और बॉल्टी क्या होता है इसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। LTE क्या है? LTE का फुल फॉर्म लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन है। LTE एक नेटवर्क होता है और ये 4G को सपोर्ट करता है। LTE से वॉइस कॉलिंग किया जा सकता है। LTE से 4G इंटरनेट चलाया जा सकता है। इसमें इंटरनेट का स्पीड हाई होता है। LTE से वॉइस कॉल करते वक्त इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए, नहीं तो कनेक्शन काट भी सकता है। बहुत से स्मार्टफोन LTE सपोर्टेड और बॉल्टी सपोर्टेड होता है। इसीलिए जब हम किसी स्मार्टफोन को खरीदने जाते हैं तो अब उस फोन के नेटवर्क के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे 4G LTE 4G बॉल्टी। इसके बाद हम किसी स्मार्टफोन को खरीदते हैं। अभी के टाइम में हर किसी को 4G सपोर्टेड डिवाइस का ज़रूरत होता है। तो इसके बाद जान लेते हैं बॉल्टी क्या है। बॉल्टी का फुल फॉर्म वॉइस ओवर LTE है। यह एक नेटवर्क है और यह 4G को सपोर्ट करता है। 4G मतलब फोर्थ जनरेशन है। बॉल्टी में इंटरनेट का स्पीड हाई होता है। बॉल्टी से बेहतर वॉइस कॉल किया जा सकता है और बॉल्टी में डायरेक्ट वीडियो कॉल भी किया जा सकता है। वीडियो कॉल करने के लिए दूसरे कोई ऐप इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। HD वीडियो कॉल किया जा सकता है। इसमें वॉइस कॉल और वीडियो कॉल का क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। बॉल्टी में बिना इंटरनेट ऑन करे वॉइस कॉल किया जा सकता है। तो इसके बाद जान लेते LTE और बॉल्टी में क्या फ़र्क है। बॉल्टी नेटवर्क LTE का अपग्रेड है। LTE को इंटरनेट के लिए बनाया गया है और बॉल्टी को वॉइस कॉल क्वालिटी के लिए बनाया गया है और इसके साथ इंटरनेट के का भी सपोर्ट मिलता है और हाई स्पीड इंटरनेट भी मिलता है। LTE में इंटरनेट को ऑन करके वॉइस कॉल किया जाता है और बॉल्टी में इंटरनेट ऑन हो या ना हो, ऑफ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। HD वॉइस कॉल और HD वीडियो कॉल डायरेक्ट किया जा सकता है बिना किसी दूसरे ऐप के इंस्टॉल करके, जैसे वॉइस कॉल किया जाता है उसी तरह वीडियो कॉल भी किया जा सकता है। वीडियो कॉल के क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। बॉल्टी फुल फॉर्म फुल सपोर्टेड 4G होता है, इसीलिए बॉल्टी सपोर्टेड स्मार्टफोन के प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है LTE सपोर्टेड स्मार्टफोन से, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा फीचर्स होता है। इसीलिए हर कोई स्मार्टफोन खरीदते वक्त बॉल्टी सपोर्टेड स्मार्टफोन खरीदते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से LTE और बॉल्टी के बारे में पता चल गया होगा। जैसे LTE और बॉल्टी क्या है, LTE और बॉल्टी में क्या फ़र्क है, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।